देश भर की 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने बाजी मारी है। नतीजों की बात करें तो यूपी की आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने 8,679 वोटों से समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को मात दी, तो वहीं रामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी विजयी हुए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के असीम रजा को करीब 42 वोटों से हराया। वहीं पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान ने जीत दर्ज की। यहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह को करीब 6,000 वोटों से हराया। इसी तरह 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे मिले जुले रहे। त्रिपुरा के अगरतला से कांग्रेस उम्मीदवार सुदीप रॉय वर्मा, जुबराज नगर से बीजेपी के मलिन देवनाथ, सूरमा से बीजेपी के स्वप्नदास पॉल जीते हैं, जबकि टाउन बारदोवाली से मुख्यमंत्री मार्ग शाह ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक विजयी हुए। झारखंड के मंदार से कांग्रेस की शिल्पा नेहा तिर्की विजयी रही, तो वहीं आंध्र प्रदेश के आत्माकुरु से वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार एम विक्रम रेड्डी ने जीत दर्ज की। देशभर में जिन 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की चर्चा रही वो रही आजम खान के गढ़ कही जाने वाली रामपुर की सीट और आजमगढ़, जहां पर बीजेपी ने विपक्षी उम्मीदवारों को मात दी।